मियाद ने आला तालीम को मजीद आसान बना दिया है। एजुकेशन फाउंडेशन USA की जानिब से कराची में यूनिवर्सिटी फेयर का एहतमाम किया गया। अमरीकी काउंसिल जनरल की खसूसी शिरकत, तफसीलात मोहम्मद सलाहुद्दीन की रिपोर्ट में देखिए। मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी तालिबे इल्मों के लिए आला तालीम के वसीतर मौके फराहम किए जाएंगे। इस हवाले से एजुकेशन फाउंडेशन US की जानिब से यूनिवर्सिटी फेयर का एहतमाम किया गया। 20 अमरीकी जामियात ने अपने स्टॉल लगाए थे। पाकिस्तानी तालिबे इल्मों ने यूनिवर्सिटी फेयर को एक हौसला अफजा कदम करार दिया। अमरीकी कौंसल जनरल ने मुख्तलिफ स्टॉलों का मुआयना किया और पाकिस्तानी तालिबे इल्मों से गुफ्तगु भी की। अमरीकी एजुकेशन फाउंडेशन की तर्जुमान कहती है की पाकिस्तानी तालिबे इल्मों के साथ साथ अमरीकी तालीमी इदारों का भी फायदा है। The United States Educational Foundation in Pakistan. At Education USA, we offer free advising services to Pakistani students who are interested in pursuing higher education in the United States. अमरीकी एजुकेशन फाउंडेशन की तर्जुमान कहती है की पाकिस्तान में बासलाहियत तालिब इल्मों की कमी नहीं है और अमरीकी जामियात चाहती है की पाकिस्तानी तालिब इल्म इनके कैंपस में तालीम हासिल करें। The US Consulate in Karachi and US Mission Pakistan supports Education USA financially and we partner with USCFP. यूनिवर्सिटी फेयर में शिरकत करने वाले तालिब इल्मों ने इस मौके को अपने लिए सीखने के अमल का एक अहम हिस्सा करार दिया। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़, कराची। कराची के शेर धारने को हैं तैयार। किंग्स के मालिक सलमान इकबाल ने नई किट मुतारिफ करा दी। कहा कि कराची किंग्स नई किट में